मैं आज इनके पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ और शादी का और पारिवारिक कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूँ और बधाई देने आया हूँ परिवार को। ये इस गांव में कोई पहली बार नहीं आए और आजमगढ़ में पिछली बार भी जब मैं आया था तो एक शादी में आया था, अगर आपको याद हो, और लगातार समाजवादी पार्टी कार्यक्रम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में आजमगढ़ से ऐतिहासिक परिणाम आएगा। ऐतिहासिक परिणाम का इंतज़ार पूरे देश को भी है। उत्तर प्रदेश आने वाले चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जनता निर्णय लेगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से होगा। इसीलिए कई बार इस बात को समाजवादियों ने भी कहा और गठबंधन की तरफ से इस बात को कहा गया कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का मतलब है देश से बीजेपी को हटना। 80 हराइए, बीजेपी हटाइए, इस नारे पे समाजवादी लोग लगातार काम कर रहे हैं और पीडीए ही एनडीए का मुकाबला करेगा, पीडीए ही मुकाबला करेगा एनडीए का। और जो पिछले वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, किसानों की आय दोगुनी होना, नौजवान को नौकरी और रोज़गार मिल जाना, आज कम से कम इनको बताना चाहिए कि इतने लोगों को नौकरी दी है इन्होंने, इतने लोगों को रोज़गार मिल गया है। और आप में से बहुत सारे साथी होंगे, बड़ी बड़ी मैगजीन अगर आप देखें, टीवी अखबार देखें, विज्ञापन तो बड़े बड़े हैं और सदन में सरकार ने ये कहा कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं। अगर 40 लाख करोड़ के एमओयू होंगे तो कम से कम आजमगढ़ में नहीं तो मऊ में नहीं तो जौनपुर नहीं तो बनारस, और बनारस नहीं तो गाजीपुर, बलिया या कम से कम गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट तो आया होगा 40 लाख करोड़। और ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा मुख्यमंत्री जी ने कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं और उद्योग लगने जा रहे हैं। जिस सरकार के 2 साल यूं ही गुजर गए हों, तीसरा बजट आने वाला हो और उसके बाद ज़मीनें चिन्हित कर रहे हों कि हमें जिलों में ज़मीनें चाहिए तब इन्वेस्टमेंट आएगा, तो जिस सरकार ने तैयारी नहीं की, मुझे नहीं लगता है कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आज बाज़ार में 70% से ज़्यादा कैश फ्लो कर रहा है, पहले से ज़्यादा कैश आज मार्केट में है। जिन लोगों ने ये कहा कि नोटबंदी होने से भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, हमने सब ने तस्वीरें देखी हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम अपने यूट्यूबर्स को और चैनल के लोगों को जिन्होंने झारखंड में जो पैसा पकड़ा गया उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो दिखाई। तो आखिरकार किसका फेलियर है ये, जो सरकार ने नोटबंदी की हो और उसके बाद 300 करोड़ से ज़्यादा पैसा निकले। इसी तरह उत्तर प्रदेश में याद कीजिए कि इत्र व्यापारी पर निकला था पैसा और आरोप ये सरकार ने लगाया कि ये समाजवादियों का है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ कि चुनाव आने वाला है, ये बीजेपी वालों ने जो आरोप लगाए थे, कम से कम उस इत्र व्यापारी से समाजवादियों की मदद तो कराओ। तो आपकी वो पॉलिसी फेल हो गई, किसान का धान नहीं खरीदा गया, घर घर बेरोजगार बैठे उन्हें कब नौकरी मिलेगी और फिर जाति जनगणना कब होगी? सामाजिक न्याय बिना जाति जनगणना के संभव नहीं है। कुछ लोग सब कुछ पा रहे हैं, आप बताइए कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में किसको नौकरी मिल रही है, कौन है लोग वाइस चांसलर, कौन अपॉइंट हो रहे हैं और वाइस चांसलर जिनको अपॉइंट कर रहे हैं वो कौन लोग अपॉइंट नौकरी पा रहे हैं।